नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। रीवा में महिलाओं के साथ हो रही ठगी, एक महीने के अंदर 4 वारदातों से फैली सनसनी। मध्य प्रदेश के रीवा में महिलाओं से ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। एक महीने के अंदर 4 महिलाएं ठगी का शिकार हुई, जिससे शहर में सनसनी फैल गई। ठग गिरोह महिलाओं को अपना निशाना बनाता है, इसके बाद उनके जेवरात उतरवा कर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। महिलाओं को इस गुरोह से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस तरह बनाते हैं ठगी का शिकार। रीवा शहर में ठग गिरोह सक्रिय है, जो महिलाओं को अपना टारगेट बनाता है। यह गिरोह महिलाओं को पता पूछने अथवा किसी अन्य जानकारी के बहाने रोकता है। तंत्र मंत्र या प्रेत बाधा आदि की बातें कर इस कदर महिलाओं में भय फैलाता है कि वह उनके जाल में आसानी से फंस जाती है। इसके साथ ही ठगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि सोने या चांदी के जेवरात पहनना छोड़ दें तो आपका संकट दूर हो जाएगा। इसके बाद जेवरात उतरवा कर पोटली में रखने को कहते हैं। महिलाएं उनकी बातों में आकर आभूषण उतार देती हैं, जिसके बाद वह मौका देख आभूषण समेट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। तब महिलाओं को यह एहसास होता है कि वह ठगी का शिकार हो गई है। महीने भर में 4 वारदातों को दिया अंजाम। ठग गिरोह द्वारा एक महीने के अंदर 4 वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसके बाद अब महिलाओं को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका सामना भी ऐसे ठग गिरोह से हो सकता है। ठग गिरोह ने पहली वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी मोड़ समीप 10 अगस्त को अंजाम दिया, जबकि दूसरी ठगी की घटना अमिया क्षेत्र अंतर्गत सिर मोड़ चौराहे में 17 अगस्त को ही। समान थाना क्षेत्र के पीके स्कूल के पीछे 25 अगस्त को ठगी की तीसरी वारदात हुई, जबकि अमिया थाना क्षेत्र के ललपा तालाब के समीप 31 अगस्त को ठगों ने चौथी वारदात को अंजाम दिया। इनका कहना है, संबंध में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का कहना है कि 1 से 1.5 माह के अंतराल में ठगी की 4 वारदातें प्रकाश में आई है। इस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने चारों स्थानों से सीसीटीवी फुटेज लिया है, किंतु अभी तक ठग हाथ नहीं लगे हैं। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ही गैंग का काम है। महिलाओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है, वे किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में ना आए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।